हेलो जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो अभी हम लोग हैं झारखंड स्टेट के हजारीबाग क्षेत्र के बड़कागांव एरिया में, और आज हम लोग एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग में 500 हज़ार साल पहले राजा रानी रहते थे, और वहाँ पे उनका शादी हुआ था, वहाँ पे वो रहते थे। और साथ में वहाँ पे और सारी रानी तालाब है, और जो राजा रानी के शादी के टाइम पे मड़वा लगता है वो भी वहाँ पे है अभी। और वो जो पहाड़ है वो बहुत, मतलब एक ही चट्टान है, उसको ही अंदर से काट काट के बनाया गया है। तो अभी हम लोग निकल गए, और तकरीबन 20-22 किलोमीटर और रहेगा, तो फटाफट से चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि कैसा क्या है। सो ये है भाई बुढ़वा महादेव मंदिर। ये जो आपको यहाँ से मंदिर दिख रहा है ना, छोटा सा ऊपर में पहाड़ के ऊपर, वही है बुढ़वा महादेव मंदिर। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बैठे हुए 2 मिनट ब्रेक के लिए, गाड़ी को थोड़ा ठंडा होने दे रहे हैं, और यही रास्ता जाता है आगे। तो अभी चलते हैं आगे, देखते हैं और कितना टाइम जाता है। पहुंच चुके हैं बुढ़वा महादेव मंदिर के एंट्री गेट पे, और यही रास्ता जो है वो सीधा चले जाएगा मंदिर पे। और वहाँ पे देखो एक आपको दिखता रहेगा, मैं दिखाता हूँ, वहाँ पे देखो एक भैया जा रहे ऊपर, तो वही आगे से एक टर्न लेकर के ऊपर में आपको जाना है। अगर आपको राजा रानी का जो घर था या फिर दारू कोठी था वहाँ, उसको अगर देखना है, मड़वा देखना है, तो अभी ऊपर भी चलेंगे, उधर भी चलेंगे। और अभी फ़िलहाल के लिए अभी ऊपर से घूम के आते हैं एक बार। और ये देखो यहाँ पे साइन बोर्ड लगा हुआ है बुढ़वा महादेव मंदिर, और ये एंट्री गेट है, और यहाँ पे देखो इसका उद्घाटन का डिटेल्स लिखा हुआ है। और ये है भाई कुछ इस टाइप का लोकेशन, पूरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो अब चलते हैं ऊपर, अपना बाइक उधर खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं आगे। देखो भाई साहब, यहाँ पे है 4 चीज़। पहला तो है घाघरी गोदरी, दूसरा है रानी तालाब, तीसरा है मंडवा, और एक तो है दारू कोटी। तो यहाँ पे हम लोग ने अपना बाइक खड़ा कर दिया है, और ये देखो मंडवा जाने का रास्ता पत्थर में काट के बनाया हुआ है। तो ऊपर चलते हैं, कुछ इस टाइप का रास्ता है भाई, फुल एडवेंचर वाला। बाइक यहाँ पे मस्त अपना खड़ा है, और ये है बोल, देखो ये पत्थर में काट के बना हुआ है। अभी हम लोग आ गए हैं ऊपर, और ये देखो यहाँ पे गड्ढा किया हुआ है, तो यहाँ पे ही बांस लगा था मड़वा बनाने के लिए। ये देखो पूरा गोल से गड्ढा है। और वो उधर नीचे रोड जा रहा है, जो रोड से आपको नीचे जाना है, यहाँ से देखो। और यहाँ से व्यू देखिए, सो भाई अभी हम लोग ने हाइक अपना शुरू कर दिया है। ये देखो जंगल के बीच से होके जा रहे हैं, और देखते हैं अभी हम लोग को भी रास्ता भी एग्जैक्टली मालूम नहीं है, तो पहले जाके थोड़ा सा अंदर देखते हैं कि पहले क्या दिखता है। सो कुछ इस टाइप का है रास्ता। ओके सो गाइस, अभी देखो बात ऐसा है कि काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद भाई, मतलब आधा से 1 घंटा हाइक करने के बाद फाइनली हम लोग को मिल चुका है छगरी गोदरी। तो ये देखो ये है छगरी गोदरी, और यहाँ पे ऐसा माना जाता है भाई कि 500 से 1000 साल पहले यहाँ के जो राजा थे वो यहाँ पे बकरी, अपने जो भी कैटल्स थे वो उसको पालते थे। और इसमें अगर आप अंदर थोड़ा सा ऐसे झुक के सूंघोगे तो अभी भी यहाँ से जो बकरी और जो उसके मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल से उसका सेंट आएगा। और ये देखो कितना खतरनाक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है भाई, चट्टान को काट करके, मतलब इसका डिज़ाइन देखिए आप, ये देख रहे कर्स देखो कैसे बनाया रहेगा। ये अभी का नहीं है भाई, 1000 साल पहले, मतलब 500 से लगभग में 1000 साल पहले। फिर भी अगर आप 500 500 ही पकड़ो तो मतलब इसको 1500 में बनाया गया रहेगा, और 1500 में उतना टेक्नोलॉजी तो था नहीं, तो सोचो कैसे इसको बनाया गया रहेगा। और ऐसा नहीं है कि ये 2-3 पत्थर को जोड़ के बनाया गया है, एक ही पत्थर को काट के फुल डिज़ाइन करके बनाया गया है। तो भाई राजा लोग के अपने ही शौक। और यहाँ के डिज़ाइन देखिए आप, यहाँ के डिज़ाइन देखिए आप, बिल्कुल इसको ऐसा बनाया, ऐसा लग रहा है कि ये अभी बनाया गया भाई। अगर अभी भी इसको बनाने जाए
तो ये तो मेरे को नहीं लगता है कि अभी कोई इसको बना पाएगा ऐसा पत्थर में काट के भाई, क्योंकि अभी ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया है और ऊपर से अभी के जो मिस्त्री लोग रहते हैं वो भाई ऐसे ही काम चोर रहते हैं, एक दिन का काम बोल के 4 दिन का काम दिखाते। तो और यहाँ पे देखिए बहुत सारे जो जो भी लोग आए हैं उन्होंने अपना नाम लिख दिया है, यहाँ पे SK लिखा हुआ है, यहाँ पे 2004 लिखा हुआ है, यहाँ पे किसी ने अपना नाम लिख दिया है BK, यहाँ पे कुछ तो आसामा करके कुछ तो लिखा हुआ है, वो अभी पढ़ने में नहीं आ रहा है क्योंकि ऑब्वियसली पत्थर है तो पानी गिरने की वजह से थोड़ा 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 गल रहा है, और भी बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं। तो भाई अभी चलते हैं, अब ये तो हो गया छगरी गोदरी, अब ऊपर चलते हैं और ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, वो दारू कोठी आपको दिखाते हैं कि राजा लोग कैसे अपनी लाइफ को एंजॉय करते थे। और इस मड़वा पहाड़ का आप लोकेशन देखिए भाई, बिल्कुल जंगल के बीच में बनाया हुआ है, ऐसा नहीं है देख रहे हो, फुल जंगल के बीच में। सो भाई देखो अभी हम लोग आ चुके हैं दारू कोठी में, तो जैसे ही आप छगरी गोदरी से थोड़ा सा आगे आओगे ना, बस थोड़ा सा ही दूर है, मतलब 2 मिनट भी नहीं लगेगा आपको, और ये जो है ये है दारू कोठी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आप चट्टान देख रहे हो इसमें इसको काट के बनाया गया है भाई दारू कोठी। तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि राजा लोग जो है वो यहाँ पे बैठ के दारू पीते थे या फिर जो भी अपना एंजॉय करते थे लाइफ को वो करते थे। तो छोटा सा ही है, आपको थोड़ा अंदर दिखाते। तो ये देखो बिल्कुल मतलब 2 से 3 लोगों को खाली बैठने की जगह है, और भाई राजा लोग थे तो ऑब्वियसली अमीर अमीर लोग के साथ ही बैठ के पीते रहेंगे, ठीक है, बैठ के पीते रहेंगे या फिर अपने लाइफ को एंजॉय करते रहेंगे भाई। तो बस इसी से इसी ने, और ये देखो मतलब नेचुरल तो है ही नहीं भाई, ये पत्थर को काट के बनाया गया है, और इसका अब अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो ऐसा लगता है कि इसको जो है वो एक मुंबई में जगह है अजंता केव्स नाम का, कुछ उसी टाइप का एक स्ट्रक्चर है। तो बस यही है भाई, और अभी नीचे चलते हैं। सो भाई देखो सीन कैसा है कि वहाँ पे तो हम लोगों ने आपको छगरी गोदरी और दारू कोठी दोनों दिखा दिया, और यहाँ पे एक और चट्टान है, मतलब एक और पत्थर है। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे एक शेर था, तो शेर जब उस चट्टान पे चढ़ा था भाई, तो बकरी पकड़ने के लिए, तो उस चट्टान पे पूरा उसके पंजों का निशान आ गया था, ठीक है। और अभी हम लोग उसी को ढूंढ रहे क्योंकि हमारे पास तो कोई गाइड नहीं है भाई, तो बहुत मुश्किल के बाद वो छगरी गोदरी और दारू कोठी मिला है। तो अभी ये पत्थर भी ढूंढेंगे, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको गूगल फोटो से उसका फोटो दिखा देंगे। ये देखो हम लोग खुद से नेविगेट कर रहे हैं, पता नहीं किधर है। तो अभी फिर से जहाँ से आए थे वहाँ पे वापस चलते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या सीन है। देखो गाइड नहीं रहने का यही एक प्रॉब्लम है कि आपको खुद से ढूंढना पड़ेगा, और यहाँ पे गाइड तो मिलता भी नहीं है गाइड यहाँ पे कैसे मिलेगा भाई। ये देखो यहाँ पे हम लोग वापस आ गए छगरी गोदरी के पास, ऊपर ही चल के देखते क्या है कैसे है। इस साइड चलेंगे, इस साइड दे आके देखते, ये रहा दारू कोठी। तो आ गए हम लोग, सो भाई देखो सीन कैसा है कि हम लोग ने काफी ढूंढा लेकिन वो पत्थर नहीं मिल रहा हम लोग को, तो हम लोग ने डिसाइड किया कि अभी वापस जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी 3 घंटा हो चुका रहेगा, 3 से 3.5 घंटा हम लोग को घूमते घूमते लेकिन मिल नहीं रहे। तो बिना कोई लोकेशन देखे भाई नेविगेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। देखो पूरा घंघोर जंगल है, ठीक है, और कुछ इस टाइप का रास्ता है। तो अभी हम लोग ने डिसाइड किया है कि यहाँ से निकलते हैं और रानी का तालाब देख के घर पे चलते हैं, फिर कभी आएंगे तो पक्का एक्सप्लोर करेंगे, उसको ढूंढ के ही जाएंगे नेक्स्ट टाइम आए तो। सो देखो अभी हम लोग फाइनली नीचे उतर गए भाई, कुछ 15-20 मिनट लगा रहेगा नीचे उतरने में, और मैं आपको दिखा देता हूँ वो एग्जैक्ट टर्न जहाँ से आपको टर्न लेके वो हाइक शुरू करना है, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ रास्ता है, पथरीला पथरीला, और हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं, ये देखो। और ये है कुछ ये पहाड़ उधर, तो इस साइड देखते चलिए आप। ये जो आपको ब्लू कलर का वाटर टैंक दिखता रहेगा ना, वहाँ से सीधा एक रास्ता अंदर जाता है भाई, मतलब सीधा बोले तो ये रोड दिख रहा है, और यहाँ से देखो सीधा ब्लू टैंक है, और यहाँ से ऐसा ऊपर जाने का आपको, ठीक है।
तो हम लोग के जैसे मत आना, नहीं तो भाई परेशान हो जाओगे घूमते घूमते। बहुत ही बड़ा जंगल है। और ये आ गया रोड, और वो देखो वहाँ पे एंट्री गेट दिख रहा है, तो ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ से आपने पहले टर्न लिया और दूसरे टर्न पर ऐसे चढ़ने के से सीधा यहाँ से अंदर घुस जाओ। और अब चलते हैं रानी तालाब देखने, देखते हैं रानी तालाब का क्या सीन है। सो भाई देखो अभी हम आ चुके हैं रानी तालाब में, और ये है रानी तालाब। तो यहाँ पे देखो मस्त ऐसा बैठने के लिए भी बनाया गया है, तो अगर आप आते हो तो आके बैठ सकते हो, थोड़ा सा इंजॉय कर सकते हो। मस्त यहाँ पे ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। और ये है रानी तालाब। तो अभी देखो तालाब थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि सूख गया है, बट काफ़ी सही लोकेशन है भाई। तो यहाँ पे ही रानी आती थी, और देखो क्या सही लोकेशन है भाई। सो जी अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बुढ़वा महादेव मंदिर के टॉप पे, और यहाँ से अब आप व्यू देखिए।